हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। पिछली वीडियो में हमने 23 तक क्वेश्चन कर लिए थे, चलिए उससे आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दे रखा है? विकास ने 15,000 रुपये 12% की दर से उधार लिया और कुछ अन्य धन 16% की दर से उधार लिया। 2 वर्ष बाद उसे कुल 10,000 रुपये ब्याज चुकाना पड़ा, तो उसने कुल कितना धन उधार लिया था? क्या दे रखा कि टोटल ब्याज दे रखा है 2 साल का, तो कैसे निकालेंगे? पहले तो 15,000 रुपये पर 12% की दर से और 2 साल का ब्याज है, तो PRT/100 2 साल का ब्याज है 12% की दर से। और फिर क्या किया, कुछ हिस्सा हमें नहीं पता, हम x मान लेते हैं कि x हिस्सा उसने 16% की दर से और 2 वर्ष तक इसका इतना ब्याज बनेगा, जो x राशि ली थी उस पर 16% की दर से 2 साल का ब्याज इतना होगा, तो 2 साल का टोटल ब्याज कितना हो जाएगा? 10,000 रुपये इसने दे रखा है। और हमसे क्या पूछा है कि उसने कुल कितना धन उधार लिया था, तो ये सोल्व करेंगे। 20 से 20 कैंसिल, 12 × 2 = 24, 15 = 10 और 24 प्लस इसको ओपन करेंगे तो 25 और 4 से कैंसिल कर लेंगे, तो x मल्टीप्लाई 8/25 = 10,000। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 4 = 60, 15 × 2 = 30 और 6 = 36 और 10 है। 8x/25 = 10,000, तो 8x/25 10,000 में से 3600 माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 6400। अब 8 से इसे कैंसिल करेंगे, 800, और 25 किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25×8 = 200, तो कितना आ जाएगा x 20,000। तो टोटल पूछा है, तो कुछ हिस्सा था ये तो x, और पहले था 15,000 और ले रखे थे, तो टोटल कितने हो जाएंगे 35,000। 35,000 रुपये उसने उधार लिए थे, ऑप्शन डी आ जाएगा। 35,000 में से 15,000 रुपये पर तो 12% की दर से 2 साल का ब्याज दिया, और इसमें 20,000 रुपये पर 16% की दर से ब्याज दिया, तो टोटल ब्याज 10,000 रुपये दिया था इसने। नेक्स्ट करते हैं 25। एक राशि साधारण ब्याज द्वारा 3 वर्षों में 1,040 रुपये तथा 7 वर्षों में 1,360 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि क्या होगी? तो 3 वर्षों के बाद में टोटल कितना अमाउंट हो गया उसका 1,040 रुपये, तो टोटल अमाउंट कितना होगा 3 साल के बाद? प्रिंसिपल प्लस में जो 3 साल का ब्याज होगा वो, तभी टोटल अमाउंट बनेगा। तो कितना दे रखा है ये इसने 1,040, और 7 साल के बाद कितना अमाउंट बनेगा? प्रिंसिपल प्लस 7 साल का जो ब्याज होगा वो कितना बनाएगा, कितना बनेगा 1,360 रुपये। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो P में से P को माइनस करेंगे तो 0, P से P कैंसिल हो जाएगा, 7 SI में से 3 SI, तो 4 साल का जो ब्याज होगा वो, और 1,360 में से 1,040 माइनस करेंगे तो कितना होगा 320, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 80। अब पूछा क्या है हमसे, तो वह धनराशि क्या होगी, तो SI को या तो इस इक्वेशन में रख लो या फिर इसमें, और इससे प्रिंसिपल निकलाएगा। तो पहली इक्वेशन में रखें, अगर SI 80 तो 3×8 = 24, तो प्रिंसिपल प्लस 240 = 1,040, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 800 रुपये, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इससे क्या पता चला कि जो प्रिंसिपल होता है वो कैंसिल हो जाता है, तो हम डायरेक्ट इसको माइनस कर सकते हैं कि जो 3 साल का जो अमाउंट है और 7 साल का जो अमाउंट है, अगर उसको हम माइनस करेंगे तो 4 साल का क्या आ जाएगा साधारण ब्याज, क्योंकि प्रिंसिपल से प्रिंसिपल तो कैंसिल हो गया, अब हम आगे से डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 26 का। कोई धन साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 690 रुपये तथा 5 वर्ष में 750 रुपये हो जाता है, तो कितना हो जाएगा 690, ये कितना है 3 वर्षों के अंत में, और 750 5 वर्ष के अंत में, ये है अमाउंट। तो अब अगर इसे हम माइनस करें तो कितना होगा 2 वर्ष का, ये क्या आया 2 वर्ष का SI आएगा, तो कितना आएगा इसमें से माइनस करेंगे तो ये 60, तो 1 वर्ष का SI कितना आ जाएगा 30 रुपये, क्योंकि प्रिंसिपल से प्रिंसिपल तो कैंसिल हो जाएगा।
तो एस आई को अब हम यहाँ पे रख देते हैं, तो कितना होगा प्रिंसिपल प्लस 3 साल का एस आई किसके इक्वल है 690। तो प्रिंसिपल 3 साल का एस आई कितना होगा 90, 90 को यहाँ से माइनस करेंगे तो 90 इज इक्वल टू 690, तो प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 600, ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट करते 27। कोई धन एक वर्ष में साधारण ब्याज पर 2200 रुपये तथा 4 वर्ष में 2800 रुपये हो जाता है, तो वह धन तथा दर प्रतिशत वार्षिक ज्ञात कीजिए। तो एक वर्ष में 2200 रुपये है, 2200 रुपये एक वर्ष के अंत में, और 4 वर्ष के अंत में कितना है 2800 रुपये। तो इसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट आएगा क्योंकि प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 600। एक साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो 200। तो ऐसा ही को पहली इक्वेशन में रखें, अगर पहली इक्वेशन क्या बनेगी, प्रिंसिपल और एक साल का सिंपल इंटरेस्ट, ये है अमाउंट एक साल के बाद कितना था 2200, एक साल का प्रिंसिपल था 200, तो प्रिंसिपल एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना था 200, तो यहाँ से माइनस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट को, कितना आएगा 2000 हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। अब रेट और पूछिए इसने, रेट क्या होता है, एक साल का ब्याज कितना, एक साल का ब्याज 200 किसके ऊपर होता है प्रिंसिपल के ऊपर, तो 2000 और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, 20 से 20 कैंसिल, इस 10 से ये कैंसिल, 2 से 2, तो रेट कितनी आ जाएगी 10%। या फिर रेट कैसे निकाल सकते हैं आप, सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT/100, तो रेट निकालेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 और ये प्रिंसिपल और टाइम नीचे आ जाएगा। अब टाइम एक साल का है तो सिंपल इंटरेस्ट अपॉन में प्रॉफिट और इनटू 100 ऐसे बन जाएगा ये। नेक्स्ट करते हैं 28 का। किसी धन पर साधारण ब्याज मूल धन का 1/9 भाग है तथा समय की संख्या वह दर प्रतिशत बराबर है, तो ब्याज की दर बतानी है। तो क्या दे रखा है, जो 1/9 है, और क्या बोला है कि किसी धन का साधारण ब्याज उसके मूल धन का, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 1, और मूल धन का बोला है तो 9 क्या हो जाएगा प्रिंसिपल। अब साधारण ब्याज मूल धन का 1/9 हिस्सा है, अगर 9 प्रिंसिपल है तो साधारण ब्याज 1 होगा, और उसके बाद क्या बोला कि टाइम और जो रेट है वो बराबर है, और पूछा क्या है ब्याज की दर। अब फॉर्मूले में रख लेंगे इसे, क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट PRT/100, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1, प्रिंसिपल 9, रेट हमें निकालनी है, और टाइम और रेट बराबर है तो टाइम की जगह रेट रख लेंगे और अपॉन में 100। अब 100 को इस साइड लेके जाएंगे और 9 मल्टीप्लाई में इस साइड लाएंगे तो डिवाइड में, और आर स्क्वायर दोनों साइड अनरूट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा 10/3 इज इक्वल टू आर, कितना आ जाएगा ये 1/3 प्रतिशत ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं 29 का। किसी धन पर साधारण ब्याज मूल धन का 4/25 भाग है तथा समय की संख्या वह दर प्रतिशत बराबर है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो 4/25 क्या बोला कि ये साधारण ब्याज है और ये प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल अगर 25 है तो साधारण ब्याज 4 होगा, और टाइम और रेट बराबर दे रखी है, पूछा क्या है हमसे रेट पूछा है, तो फॉर्मूले में रख लेंगे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100, सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारा 4, प्रिंसिपल 25, रेट और टाइम और रेट बराबर है तो टाइम की जगह भी रेट रखेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहले से वो कैंसिल कर लेते हैं 4, अब क्रॉस करेंगे तो 16 इज इक्वल टू आर स्क्वायर दोनों साइड अनरूट करेंगे तो कितना आएगा 4% रेट आ जाएगी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ₹160 का साधारण ब्याज ₹40 है तथा वर्षों की संख्या ब्याज दर के बराबर है, तो प्रिंसिपल दे रखा है ₹160 और सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है ₹40, और क्या बोल रखा कि टाइम और जो रेट है वो बराबर है और हमें रेट निकालनी है, तो फॉर्मूले में रखेंगे इसे PRT/100, सिंपल इंटरेस्ट कितना है ₹40, प्रिंसिपल है ₹160, टाइम और रेट बराबर है तो टाइम की जगह भी रेट रख लेंगे और अपॉन 100, 10 से 10 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 और 16 को नीचे ले आएंगे, ये हो जाएगा आर स्क्वायर दोनों साइड अनरूट करेंगे तो कितना होगा ये 20/4 इज इक्वल टू आर,
कितनी आ जाएगी यार हमारी 5%, ऑप्शन सी। नेक्स्ट करते हैं 31 का। किसी धन पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज उस धन का 1/5 है तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। तो टाइम दे रखा है 4 वर्ष और क्या बोल रखा है, साधारण ब्याज धन का 1/5, तो साधारण ब्याज है 1 और प्रिंसिपल हो जाएगा 5। अगर प्रिंसिपल 5 होगा तो सिंपल इंटरेस्ट 1 हो जाएगा। अब क्या पूछा हमसे, रेट पूछी है। फॉर्मूला क्या था, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन में 100। सिंपल इंटरेस्ट था 1, प्रिंसिपल कितना है 5, रेट निकालनी है, टाइम दे रखा है 4 साल अपॉन में 100, तो 5 × 20 से 100 काटेंगे तो 5, 5 इस साइड लेके आएंगे तो R कितना हो जाएगा 5%, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं 32। ₹3,000 का कुछ भाग 5% तथा बाकी भाग 7% वार्षिक दर पर उधार दिया गया। एक वर्ष बाद कुल साधारण ब्याज ₹182 मिला। 7% वार्षिक दर पर दी गई राशि ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करेंगे, हम एलिगेशन लगा लेंगे। तो 5% है एक रेट और एक है 7%। तो एलिगेशन में क्या करते हैं, तीनों जगह एक यूनिट होनी चाहिए। अगर यहाँ पे प्रतिशत है तो यहाँ भी प्रतिशत होना चाहिए। तो ₹182 ब्याज मिला था, तो 182 को हम प्रतिशत में बढ़ाएंगे। एक तो ₹182 किसका ब्याज था, ₹3,000 के ऊपर ब्याज था, तो मल्टीप्लाई में 100, प्रतिशत में बनाना, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना हो जाएगा ये 182/3%। अब इस 3 का क्या करेंगे, इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 था यहाँ पे, तो 30 का इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से 30 हट जाएगा। अब कितना हो गया ये 150 और यहाँ पे 210। अब जो 182 इन दोनों के बीच, तो एलिगेशन अब लगा लेंगे, तो कितना आएगा यहाँ पे 32 और 210 में से 182 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 18 और 28 आ जाएगा ये। अब 4 से कैंसिल कर लेते हैं, तो 4 × 7 = 28 और 4 × 8 = 32, तो 7:8 में क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल। तो टोटल रेशियो के अंदर कितना है प्रिंसिपल 15। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था पहले 3,000, तो 1 = कितना आ जाएगा 200। क्या पूछा था हमसे कि 7% वार्षिक दर पर, तो 7% इस साइड था, तो इस साइड की वैल्यू उठा लेंगे 8, तो 8:16 कितना हो जाएगा 1600 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट करते हैं 33 का। अनिकेत ₹25,000 को 2 भागों में बांटकर 2 अलग-अलग बैंकों में जमा करता है। एक से उसे 15% का ब्याज तथा दूसरे से 18% का ब्याज मिलता है। एक वर्ष में उसे ₹4,050 ब्याज प्राप्त होता है। बताएं कि उसने 18% की दर से कितना धन जमा किया। तो एलिगेशन लगा लेंगे, पहले कितना था 15% और दूसरा ब्याज था 18% की दर पर और ब्याज मिला उसे 4,050, तो 4,050 को भी प्रतिशत में बढ़ाएंगे तो नीचे होगा, टोटल था ₹25,000 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस 1 जीरो से ये कैंसिल, 5 से कैंसिल कर लेते हैं 5 और यहाँ पे 81, तो 81 अपॉन में 5%। 5 का क्या करेंगे, दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा 75 और ये कितना आ जाएगा 18×5=90। तो इसमें एलिगेशन लगाएंगे, कितना हो जाएगा ये 81 में से 75 माइनस करेंगे 6 और 90 में से 81 गए तो 9, 3 से कैंसिल कर लेते हैं, 3 × 3 = 9 और 3 × 2 = 6, ये क्या यहाँ पे क्या आएगा प्रिंसिपल, तो टोटल प्रिंसिपल है 5, किसके इक्वल दे रखा है 25,000, तो 1:5 कितना आ जाएगा 5,000। पूछा क्या है हमसे कि 18% की दर से कितना धन मिला, तो 18% ये था, तो इस साइड वाली वैल्यू उठाएंगे 2, तो 2 किसके बराबर हो जाएगा 10,000, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। एक व्यक्ति के पास ₹2,000 हैं जिसमें से एक भाग को उसने 5% वार्षिक दर से तथा दूसरे भाग को 4% वार्षिक दर से उधार दिया। उसे ब्याज से कुल वार्षिक आय ₹92 होती है। तो बताएं कि उसने 5% की दर से कितना धन उधार दिया था। तो पहली दर है 5% और दूसरी दर थी 4% और ब्याज कितना मिला था, तो ₹92 को भी क्या करेंगे प्रतिशत में बढ़ा लेंगे, तो नीचे आएगा टोटल था ₹2,000।
मल्टीप्लाई में 100, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, दो से काटेंगे तो दो चौके 8, दो छक्के 12, तो 46/10% है बीच में लिखेंगे। अब 10 को नीचे से हटाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 50 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 40। तो अब एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 4 और यहाँ पे 6, दो से काट लेंगे इसे 3:2 आ जाएगा। ये क्या है हमारा प्रिंसिपल, टोटल प्रिंसिपल है 5:, क्वेश्चन में दे रखा था 2000, तो 1:400, पूछा क्या है 5% की दर से, 5% यहाँ पे था तो इस साइड की वैल्यू उठाएंगे 3, तो 3 कितना हो जाएगा 1200, ऑप्शन डी आ जाएगा। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।